नोएडा स्थित मार्वल स्टूडियो में चल रहे 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल पहले दिन के दूसरे सत्र को प्रारंभ बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, यासील बुरिलो, बोनी कपूर, दिव्या भेल, पवलीन गुजराल, सोहम शाह, जगन्नाथ सरकार, चितरंजन त्रिपाठी, अब्राहम कुमार, अमृत कुमार देव मौजूद रहे। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में वुमेन ऑफ एम्पावरमेंट पर चर्चा करी। जैसे ही महिलाएं शक्ति हासिल करेंगी, बाधाएं कम हो जाएंगी। लड़कियां वह सब कुछ करने में सक्षम है जो एक पुरुष कर सकता है। संदीप मारवा ने बताया कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। जगन्नाथ सरकार ने हिंदू धर्म के कल्चर के बारे में भी बताया। हमारी देश की संस्कृति लोग दूसरे देशों में अपना रहे हैं, इसलिए अपने कल्चर को ना भूलें। कार्यक्रम में सिनेफेस्टा न्यूज़लेटर रिलीज किया गया। साथ ही सोहम शाह के द्वारा लिखी किताब ब्लड मून का विमोचन किया गया। बता दें कि फेस्टिवल में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2023 अवार्ड सेरेमनी भी किया गया। यासील बुरिलो को हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाधि से सम्मानित किया गया। चितरंजन त्रिपाठी को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से नवाजा गया। पवलीन गुजराल को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने सवाल पूछे और उसके जवाब भी पाए। बता दें कि एग्जीबिशन हॉल का उद्घाटन डॉक्टर संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। इसमें प्रकृति की फोटोग्राफी से लेकर वाइल्ड फोटोग्राफी भी शामिल है, जिनको देखकर गेस्ट बड़े उत्साह के साथ सभी स्टूडेंट्स और संदीप मारवा की तारीफ की। फेस्टिवल में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का संदीप मारवा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया। फेस्टिवल के दूसरे बड़े सेशन के अंदर देश भर और दुनिया भर से महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे और हम लोगों ने चर्चा की कि महिलाओं का क्या महत्व है सिनेमा में। बहुत खुल के अच्छे अच्छे विचार सामने आए और बहुत सारी महिलाएं जो मंच पर खुद मौजूद थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के आम बातों को और तौर तरीकों को बड़े खूबसूरत ढंग से आम जनता के सामने रखा और लोगों को इस बात का यकीन हुआ कि ये कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, अच्छी इंडस्ट्री है, जहाँ पर जितनी इज्जत आदमियों की जाती है, उससे कई ज़्यादा इज्जत औरतों की जाती है। और महिलाओं को आज सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि महिलाओं को हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, एडिटिंग है, कैमरा है, चाहे वो प्रोडक्शन है, फैशन डिजाइनिंग है, हर जगह पर उनको महत्व दिया जा रहा है और उनकी अपनी एक जगह बन चुकी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मर्दों से भी ज्यादा नाम कमाया है और मैं समझता हूँ इस सारे सेशन का जो मजा है वो सबने उसका लुत्फ उठाया, मजा उठाया और हम पनामा की एम्बेसडर उसमें हमारी मुख्य अतिथि रही। साथ ही में बॉम्बे से बोनी कपूर भी इस मंच पर जो है उन्होंने खूब रच कर अपने खूबसूरत विचार दिए। मैं समझता हूँ कि अब तक के जितने कार्यक्रम हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से और मजे से चल रहे हैं। सर, आज पहला दिन था और कई बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ आके जुड़े हैं कार्यक्रम में। आने वाले दो दिनों में और कौन कौन आएंगे, कितने इवेंट्स हो रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर 66 इवेंट प्लान किए गए हैं और करीब 14 इवेंट, 15 इवेंट आज पूरे हुए हैं। पहले दिन हम लोगों ने कुल मिलाकर अब तक जो 3 दिन में हमने प्लान किया है वो 7 डांस रिसाइटल हैं, 9 वर्कशॉप हैं, 6 सेमिनार हैं, 3 म्यूजिकल प्रोग्राम हैं, 1 फैशन शो है, फोटोग्राफी की एग्जीबिशन है, पेंटिंग एग्जीबिशन है और 18 फिल्में जो देश भर और दुनिया भर से यहाँ पहुंची हैं उन्हें यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। 3 हमारे फोरम हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू फोरम, महात्मा गांधी फोरम और शेक्सपियर सोसाइटी, उसका यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा होगा इस अलग अलग मंचों से। मैं समझता हूँ कि इतने सारे कार्यक्रम 3 दिन के अंदर मैंने खुद किसी फेस्टिवल में नहीं देखे। फेस्टिवल में आने का एक मौका, एक इट इज ऑलवेज गुड थिंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड टू सी ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर टुडे लाइक यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू
one day, not many years away, people will take your interviews also, because you will do also good things. Like when I first joined Walt Disney as the first general manager of Asia, India was not considered anything. Most low rated था. एक साल के अंदर ESPN में हम लोग सहारा कप ऐड करके took ESPN to the top of the world. तो ऐसा है, इंडियन कंटेंट जो है, इंडियन ऑडियंस जो है, दोनों को मैच करना. That is. Cinema industry is also like that. I am mostly from TV, that's why I can tell you. But यहाँ आके हमारा सारी चीज देखने के बाद, there are two major impressions I get. Like Sandeep was sad to say, the enthusiasm was less. I'll only say enthusiasm was optimal, but it could be more. But to whip up enthusiasm, there has to be a purpose and a logic and a strategy. Probably some of the people miss that. Like when I came and I saw so many people, I was so very happy. In fact, I sent a message to my son that itna log ek saath, itna young log, to dekh ke bada acha lag raha mera. But Sandeep ji ka baat ke baad hum thoda unko piche se toka. Hum bola unko whip up karne ke jaise whip karne hota cream banane ke liye, aisa hum log ko bhi kuch whip up karna chahiye. Hum log bada abruptly sab kuch kar diya. But anyway, the purpose of the festival and purpose of the event is to bring a larger participation from the women. And I can only add that during my life, in many international festivals where I have visited as a part of the Indian delegation or part of festival invitation, or probably actually 3 years in 12, 13 and 14, we had done over 300 festivals on the centenary of Indian cinema. And that is the time Indian cinema actually came up almost from nowhere into a very big reckoning. And today, with so many big success of Indian films, not just the big Khans, the four Khans at the four corners to create stability, because many people missed out Saif Ali Khan, who has also done a lot of good things. But I would also say, they are not out of heaven. क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रयास है और जबरदस्त संदीप जी का जो प्रयास रहा है इतने सालों से, उनकी ये तपस्या है जिसका फल अभी हम सब देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, खास करके इतने सारे युवा लोगों को एक साथ देख के वो जो ऊर्जा है उसको लेके जा रहा हूँ, शायद कुछ कर जाऊंगा जीवन में, अच्छा लगा। जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्या मैसेज लगा, किन बातों का ध्यान रखना? बातों का ये ध्यान रखना है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो गीता में कहा गया है, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। थैंक यू। जय बैंग, वाज ग्रेट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द इनविटेशन टू गेट टू अ लुक ऑफ मार्वल स्टूडियो। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन दिस educational center all over. I congratulate all the students and all the staff that make this film festival possible, and congratulations back again for all the huge talent that it's condensed in this center. Thank you.